भले ही सरकार इंटरनेट बंद कर दी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। नेट बंद करने का रीजन यही देखा जा सकता है कि सरकार छिपा रहा है अपने गलतियों को। 110% शादी हो जाएगा, अगर नौकरी ले लेते तो मेरा लाइफ कल हो के एकदम बेटर होता, अच्छा होता, लेकिन अभी तो मान के चलिए किसी के अंडर रहना पड़ेगा। SSC CGL इस दफा फिर से विवादों में घिरा हुआ है। एग्जाम के दौरान सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा और पेपर लीक जैसे घटनाओं से बचने के लिए इंटरनेट भी बंद किया था, उसके बावजूद भी ये छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सील टूटा हुआ था और पेपर भी लीक हुआ है। कई छात्र 148 149 नंबर के अंक तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। अभी हम हजारीबाग के छात्रों के इलाके में मौजूद है और यहाँ छात्रों से जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है इसे लेकर। क्या लग रहा है सीजीएल वाले मामले में? यदि 25,000 छात्र रोड पर आ रहे थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हुआ है। सरकार से विनती करते हैं इस पे जांच किया जाए और त्वरित कार्रवाई किया जाना चाहिए। सरकार से यही अनुरोध है, किसी पार्टी को नहीं आना चाहिए, यहाँ पे छात्रों की बात होनी चाहिए। छात्र को, क्योंकि छात्र यदि छात्र कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। अच्छा, इंटरनेट बंद हुआ था इस बार, पहला दफा देखा गया था झारखंड में कि किसी भी परीक्षा के लिए इंटरनेट बंद किया गया, उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसे मामले आरोप लगते हैं, तो क्या ये चीजें हैं? भले ही सरकार इंटरनेट बंद कर दी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। लीक पहले से हो चुका होगी इस घटना पे, इसीलिए सरकार नेट बंद करवा दी और इस घटना को कम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। मतलब वायरल नहीं हुआ? वायरल नहीं हुआ इस बात को, पेपर लीक हुआ लेकिन वायरल नहीं हुआ गुप्त तरीके से। आप क्या सोचते हैं? जैसे कि सरकार का ये एजेंडा सही नहीं है। अगर हम लोग देखें तो नेट बंद करने का रीजन यही देखा जा सकता है कि सरकार अपने गलतियों को छिपाया जा सके, छिपा रहा है अपने गलतियों को, छिपाने के वजह से कर रहा है नेट बंद किया। अगर 25,000 स्टूडेंट रोड पे आ रहे हैं, आप देखें कि हजारीबाग से पैदल यात्रा किए हुए रांची तक का, तो सब स्टूडेंट पढ़े लिखे शिक्षित सब हैं, तो उन लोग को थोड़े ना बेवकूफ़ समझा जा सकता है। क्या नाम है? डब्लू कुमार। यहाँ हमारे साथ कुछ छात्राएं भी, इनसे भी जानते हैं। आप क्या सोचती हैं इसको लेकर, इंटरनेट बंद हुआ उसके बाद भी? इंटरनेट बंद हुआ तो कोई फायदा तो हुआ नहीं इस तरह से। इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी पेपर लीक कर दिया गया, तो सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए ये काम कर रही है, हमको तो यही लग रहा है। लेकिन हम चाहते हैं यही है कि कोई भी एग्जाम हो तो निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि स्टूडेंट का भविष्य सुधर जाए और वो जो पढ़ रहा है दिन रात, उसको उसका राइट मिल जाए, बस मेरा यही कहना है। अच्छा, छात्राओं में और छात्रों में इसको लेकर रोष है? बहुत ज्यादा है। कितना संघर्ष होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने? बहुत ज्यादा संघर्ष है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, प्लस हम लोग अपने पेरेंट्स से लड़ लड़ के पढ़ रहे कि कुछ टाइम दीजिए, पढ़ेंगे और पढ़ के नौकरी लेके उसके बाद सेटल होंगे। लेकिन ये तो दिन ब दिन एज होते जा रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है और ये तो गलत हो रहा है, मतलब एक तरीके से बहुत गलत। मतलब अगर नौकरी नहीं लगी सीजीएल में तो घर वाले शादी करा देंगे? ऑफ कोर्स शादी हो जाएगा, एकदम 110% शादी हो जाएगा। अगर नौकरी ले लेते तो मेरा लाइफ कल हो के एकदम बेटर होता, अच्छा होता, लेकिन अभी तो मान के चलिए किसी के अंडर रहना पड़ेगा, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। एक अच्छा लाइफ मिलता ना जॉब के बाद। क्या नाम आपका? नाम मेरा सरस्वती कुमारी है। सरस्वती जी है, सरस्वती जी का कहना है कि अगर नौकरी नहीं होती तो घर वाली शादी करवा देंगे। और भी कुछ छात्र है, इनसे भी बात करेंगे। इंटरनेट बंद हुआ उसके बाद भी ऐसी चीजें निकल कर आई, क्या आप देखने लग रहे हैं? इंटरनेट बंद करने का सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी तरह से नेट से के माध्यम से पेपर लिखना, मगर ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेपर लीक तो इंटरनेट के माध्यम से नहीं हुआ, ये पहले से सीट बुक बिक चुका था, ऐसा सबका कहना है। इंटरनेट बंद करने का कोई फायदा नहीं हुआ? जहाँ तक देखा जा रहा है कोई फायदा नहीं हुआ, इसके से जनता ही परेशान है। क्या नाम है? राजकुमार। तो ये हमारे साथ कुछ हजारीबाग के छात्र हैं और अभी मजारीबाग के जो बाबू गांव कहा जाता है इलाका, वहाँ पे मौजूद है और ये बेसिकली छात्रों का इलाका है। और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।